ना राते गेले हो टेम्पू से मैया की दुर्गा मैया की नवरात्र का पावन पर्व है। तो आप सभी का स्वागत है अपन बाजार पूजा पंडाल में, जिसका उद्घाटन जो है आज ही हुआ है। और अभी अभी जो है संजय सेठ जी भी जो है गए हैं यहाँ पर। तो ये बड़ी बाजार नाम से कुछ मतलब कि अलग सा जो है मतलब लेकर के आके जो है बकरी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है बड़ी बाजार नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका नाम जो है भारतीय म्यूजिक संघ है, भारतीय म्यूजिक संघ है। तो यहाँ पर जो है राजस्थानी कल्चर से होते हैं पूजा पंडाल है। बहुत ही खूबसूरत है पूजा पंडाल। यहाँ पे जो नकाशी है वो सब जो बहुत बारीक नकाशी की गई है पूजा पंडाल में। और यहाँ पर जो है राजस्थानी लोकनृत्य भी जो है यहाँ पे थोड़ा था, जो कि आप लोग जो है पूरा फुल ब्लॉग देखिएगा तो उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप लोगों को रांची का जितना भी पूजा पंडाल है जो बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है वो सारे जो है घर बैठे देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। तो ब्लॉग में जो है कंटिन्यू बने रही। पंडाल भंडारा हुआ दूसरा दिन जो होते हुआ धुर्गा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है कोई ना। हाँ राते गए हो टेम्पू से बगल में आए मानी तो मैया की दुर्गा मैया की नवरात्र का पावन पर्व है। आज पृथ्वी पे माँ को आए 4 दिन हो गए। हम सब महल्या में माँ का आगमन के लिए माँ से प्रार्थना करते कि माँ आओ पृथ्वी पर, अपना प्यार बांटो, अपना स्नेह दो। और माँ को खुश करने के लिए हम सब लगातार माँ का श्रृंगार, माँ का मंत्रोच्चार, माँ के लिए पाठ, माँ के लिए व्रत और माँ का पंडाल सजाते हैं कि माँ खुश हो। और माँ जब आती है तो खुशहाली लेके आती है, माँ जब आती है तो चेहरे पे खुशी आती है। अभी माँ पृथ्वी में शारदे नवरात्र और फिर चैत नवरात्र, दो नवरात्र मनते हैं गृहस्थ जीवन के लिए। वैसे 3 नवरात्र होते हैं,
एक गुप्त नवरात्र होता है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीनों नवरात्र करते हैं, 9 दिन 9 गिलास नींबू का पानी, सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी रोज पीते हैं, 1 दिन में 1 गिलास नींबू पानी। यह है माँ की कृपा। और जो गुप्त नवरात्र होता है बहुत कठिन होता है, वो तपस्वी जो साधक होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो करते हैं, वो बहुत कठिन होता है। और प्रधानमंत्री जी वो तीनों नवरात्र करते हैं, तो ये सौभाग्य हम सबका, तभी देश बहुत तरक्की कर रहा है। और आज बकरी बाज़ार, हम सब तो बहुत छोटे थे तब से बकरी बाज़ार झारखंड में अपना स्थान रखता है, और इस बार का तो हम सोच रहे हैं पिछले 10-15 साल में हर साल बढ़िया होता है, किंतु इस बार एकदम अलग है। राजस्थानी लोग है, बहुत अलग है और बहुत सूक्ष्म काम है। मैं पूरे आयोजक मंडली को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज तो चतुर्दशी है, अभी तो 6 दिन बाकी हैं, तो भीड़ कितनी होगी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हम सब। चलिए, आप जितने रांचीवासी हैं, जितने भक्त मैया के भक्त यहाँ हैं, आप सब आनंद लें। और एक मेरा आग्रह है कि ऐसा सिस्टम रखिए, और पुलिस से कोई नशा करा व्यक्ति नहीं आए, नशा व्यक्ति कोई करके आए तो आप उसको तुरंत पुलिस का हवाले, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी नशा करके व्यक्ति आया उठा के पुलिस को दे दो, और ताकि मैंने यहाँ एक माँ के मंदिर में आना है, ये मंदिर है, ये बकरी बाजार नहीं है, जहाँ माँ का वास हो गया वो मंदिर बन गया, तो माँ के आवास पे, माँ के मंदिर में हम नशा करके आएंगे, हम गलत काम करेंगे, हम तो वो माँ नहीं माफ़ करेगी। चलिए, आज आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्र आपके जीवन में खुशियां लाए, दुर्गा पूजा आपको खुशियां लाए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जय मैया। क्या देख रहा है?